अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास नाइन साइंस। आई एम नसीर इलियास एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2। और जी उसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन है, वो है इफ ए प्लस बी इज इक्वल 10, ए माइनस बी इज इक्वल 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्केयर माइनस बी स्केयर। इसका दूसरा पार्ट जो है वो ए प्लस बी दिया 5, ए माइनस बी दिया 17 का स्क्वायर रूट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। इसमें आप देखें ये फार्मूला आपका यूज होगा, फार्मूलाज की मैंने आपको एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो वहां से आपने फार्मूले याद कर लेने हैं, तो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जी देखें ए प्लस बी का स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस वाला फार्मूला होगा, तो हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। तो जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर दरमियान में माइनस आ जाए, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो, तो हम 4ab, यानी कि दूसरा जो है ये ए बी जो है हम दूसरे फार्मूले से फाइंड करेंगे, और जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है हम ये पहले फार्मूले से फाइंड करेंगे। देखें अब इसमें हमारे पास ए प्लस बी 10 दे दिया, ए माइनस बी दे दिया 6, यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। यहाँ पे आप देखें ए प्लस बी की वैल्यू है हमारे पास 10, तो 10 का स्केयर कर दें, ए माइनस बी की जो वैल्यू हमारे पास है वो है 6, तो आप 6 का स्केयर बना दें, टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर आपका सेम आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का स्केयर ले लेंगे, 10 10s are 100, 6 6s are 36, दोनों को यानी कि दोनों का आपने बारी बारी स्केयर ले लिया है। अब आप देखें ये दोनों प्लस हो गए, 136 हो गया, तो टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर सेम आ गया। अब टू इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इसको आप सीधा करके लिखने, ऐसे ए प्लस बी का स्केयर लहदा लहदा ले आए, इसको पहले ले आए, अब 136 को आपने टू पे ला के डिवाइड कर देना है, तो इसको आप डिवाइड करेंगे, देखिए क्या आंसर आता है हमारे पास, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल 2 6s are 12 और 2 8s are 16, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 68। तो सेम दूसरा इसी फार्मूले से होगा, लेकिन दरमियान में माइनस आएगा। जी पहले का जो आंसर हमारे पास वो क्या है, 68 आ गया, इन दोनों को डिवाइड करके। अब आप ये देखें दूसरा पार्ट हम इसका करते हैं, ए प्लस बी 5 दिया है, ए माइनस बी 17 का स्केयर रूट दे दिया है, पहले आपने ये डाटा लिख लेना दोनों का, फिर उसके बाद फार्मूला लिखना, लेकिन फार्मूला अब आप लिखेंगे माइनस वाला, क्योंकि ए बी फाइंड करना आपने, तो ए बी के लिए हम माइनस वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो इधर आपका आपका गया 5, इधर आ गया 17 का स्केयर रूट, 4ab सेम आ गया हमारे पास। अब आपने क्या करना जी, 5 का स्केयर ले लेना, 5 5 इज़ 25। अब ये जो है इधर देखें स्केयर रूट है, तो स्केयर रूट जो होता है वो स्केयर से कैंसिल हो जाता है, तो इसका आप स्केयर नहीं लेंगे, इसको बस कैंसिल कर देंगे, तो ये 17 बच गया। अब 25 जो है उसमें से आपने 17 माइनस कर देना है, तो 8 आ गया। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 4 2s are 8, तो ये हमारे पास इसका जो पहला क्वेश्चन है वो इसका ए पार्ट और दो ए पार्ट वन पार्ट टू यानी ये पूरा हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर टू, इसका क्वेश्चन नंबर टू आप देखें, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर 45 दे दिया है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो जो वैल्यू गिवन है ना वो आपने इधर लिख लेनी है, जो फाइंड करनी है उसको क्वेश्चन मार्क लगा लेना आपने। अब देखें ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, ये हमारे पास जो फार्मूला है ये क्वेश्चन नंबर 2 3 4 और 5, चार क्वेश्चन में आपका यही फार्मूला यूज होना है, तो आपने इसको अच्छी तरह याद कर लेना। आपने क्या करना है कि आपने पूरे का पूरा फार्मूला लिख लेना है, इसमें जो वैल्यू गिवन होगी उसकी जगह पे उसकी वैल्यू लगा देनी है, बाकी जो रह जाएगी वो आपने फाइंड कर लेनी है। इंतहाई इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। देखें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, माइनस वन है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे जी माइनस वन का स्केयर, ए प्लस बी प्लस सी का स्केयर जो है वो किसके बराबर है, आप देखें ये 45 के इक्वल है, तो आप यहाँ पे 45 लगा दें, प्लस 2ab bc और सी ए, ये हमने फाइंड करनी है, इसलिए हम ये जो है सेम टू सेम लिख लेंगे। अब आप ये देखें वन का स्केयर ले लें, माइनस वन का जो स्केयर होगा वो प्लस वन हो जाएगा जी, प्लस वन आ गया, 45 और बाकी ये दोनों सेम आ गए नीचे, क्योंकि ये हमने फाइंड करना है इसलिए।
अब ये प्लस 45 हो रहा है तो 45 दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस। आप करेंगे इसको ऐसे 1 - 45 इज इक्वल टू ए बी बी सी सी ए। तो अब इनको माइनस कर लें, अब माइनस 45 और प्लस 1 है तो प्लस माइनस माइनस है तो ये आ गया माइनस 44। तो 2ABBCCA ब्रैकेट लगा दिया अब इन पे। तो अब ये आ गया, अब ये हमने क्योंकि फाइंड करना था 2 को आपने तो लागे डिवाइड कर लेना, इसको हम सीधा करके लिख देते हैं ए बी बी सी सी ए इज इक्वल माइनस 44 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका आंसर आप देखें क्या आ गया जी, 2 to the 4 माइनस 22 इसका हमारे पास आंसर आ गया, यानी कि ए बी बी सी सी ए। अब आपका देखें तीसरा क्वेश्चन जो है वो भी सेम ऐसे ही है। अब वहाँ उसने ए पे एम ले ए रख दिया है, बी पे एन और पी पे आपका सी पे क्या है पी। तो अब आपने फार्मूला वही लगाना है तो वैल्यू भी आपने सेम ऐसे ही रखनी। देखें एम प्लस एन प्लस पी जो है ये ए प्लस बी प्लस सी हो गया, ये 10 हो गया, तो ये 10 इसकी जगह पे आ गया ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर जो है ये हमने फाइंड करना है। ये बिल्कुल सेम ऐसे ही ले आए प्लस 2 और ब्रैकेट में ए बी बी सी और सी ए, यानी कि एम एन एन पी और एम पी की जो वैल्यू है 27 है वो इधर रख लें आप ऐसे। तो अब ये 10 × 10 = 100 हो गया, ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर ऐसे आ गया। 2 को 27 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 × 7 = 14 1 कैरी 2 × 4 = 15 तो ये हमारे पास आ गया 54। तो 54 इधर प्लस है तो जाकर माइनस कर दें आप, लेकिन आप करेंगे जी 100 - 54 तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। तो इनको आप माइनस कर देंगे जो माइनस करके आंसर आएगा तो वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इनके आप पहले देखें जी ये 0 में 1 कैरी ले लें ऐसे, 10 हो गए, 10 में से 4 निकाल लें 6। अब पीछे हमारे पास रह गए थे कितने जी 9 में से 5 निकाल लें 4 46। आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बड़ी क्लास है तो आपको कैलकुलेटर की इजाज़त है। तो ये हमारे पास आप देखें इसका आंसर आ गया। तो अब करते हैं अगले क्वेश्चन इसके जी बच्चों। अब क्वेश्चन है हमारे पास 4, इसके मैंने पहले दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं 4 और 5 ताकि आपका जो टाइम है वो थोड़ा बच जाए। क्वेश्चन सेम वैसे ही सॉल्व होने हैं, वही फार्मूला है, बस थोड़ा बहुत जो है मैथड चेंज होगा। देखें ए एक्स प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल 78, एक्स वाई वाई जी जी एक्स हमारे पास 59 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जी। तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखें ये पहले ही हमने ये लिख ली सारी, दूसरी ये वाली आ गई, तीसरी ये लिखी, इसके आगे आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना। फार्मूला आपके पास वही होगा जो हम पहले इसका यानी कि करते आए हैं कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर ए प्लस बी प्लस सी का स्केयर इक्वल होगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। तो अंदर ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे ए बी बी सी और सी ए, ये इसका हमारे पास फार्मूला है। तो अब आपने ए पे एक्स बी पे वाई और सी पे जी लगा लेना, अपने माइंड में रख लेना, तो उसके मुताबिक आपने इसको सॉल्व कर लेना जी। तो ए प्लस बी प्लस सी का जो स्केयर है उस पे हम लगाएंगे एक्स वाई जी, ये मैंने ए बी सी लगा दिया और जिसको मैं चेंज कर लेता हूँ एक्स वाई और जी, सब में आपने एक्स वाई जी ही रखना है। तो एक्स वाई जी यानी कि ए पे एक्स बी पे वाई सी पे जी, सब में आपने ऐसे ही चेंज कर लेना एक्स वाई जी। तो इधर भी मैं एक्स प्लस वाई और सी कर लेता हूँ जी। अब आप देखें जहाँ पर ए है वहाँ पे एक्स बी पे वाई और सी पे जी आ गया, ए प्लस बी प्लस सी स्केयर जो है उसका हमारे पास जो उसने दिया हुआ वैल्यू 78 हो गई, 2 सेम आ गया और ए बी बी सी सी ए यानी कि एक्स वाई जी एक्स और जी जी वाई जी एक्स 59 ये इधर आपने इधर रख लेना 78 सेम आ गया। 2 को 59 से मल्टीप्लाई करना आपने, 2 को 59 से करेंगे तो 118 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस कर लें आप 196 आ गया। अब क्योंकि इधर हमारे पास स्केयर है तो स्केयर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे स्केयर रूट ले लेंगे, इसका स्केयर रूट लेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया स्केयर से। तो आप इसका स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास 14, जब हम स्केयर रूट ओपन करते हैं तो आपने प्लस माइनस साथ लगाना होता है, तो इसका हमारे पास जो है प्लस माइनस 14 आंसर आ गया।
पांचवा क्वेश्चन भी सेम भी बिल्कुल इसी तरह इसी फार्मूले से होगा। आप देखें एक्स प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू 12 दे दी है, एक्स स्केयर वाई स्केयर जी की वैल्यू, जी स्केयर की वैल्यू 64 उसने हमें दे दी है, एक्स वाई वाई जी और जी एक्स हमने फाइंड कर लेना है। जी वैल्यू पुट करें, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 12, ए स्केयर बी से सी स्केयर की वैल्यू 64, टू सेम आ गई है क्योंकि हमने फाइंड करनी है, जी एक्स वाई वाई जी और जी एक्स ये सेम आ गया। अब ये 64 जो इधर प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो गया, माइनस अब आप करेंगे तो हमारे पास 80 आ गया, अगली वैल्यू सेम आपकी आ गई। अब ये टू इधर हो रहा है मल्टीपल इधर आके हो गया डिवाइड, टू फोर इधर 80 जीरो साथ ही आ गया 40 इसका आंसर आ गया। अब आपने इसको सीधा करके लिख लिया, एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स का जो आंसर हमारे पास क्या आ गया जी 14। तो ये थे इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी, तो तब तक लीजिए, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।